मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से जानते हैं इसमें हम सीखने वाले हैं रिवाइज करने वाले हैं कि कैसे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं क्या रिलेशनशिप होता है इसका तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आप सबको पता ही है क्या होती है जो आउटपुट के हिसाब से सेल के हिसाब से चेंज होती है पर यूनिट सेम रहती है टोटल में चेंज होती है इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट जो चेंज होती है तो अगर हम सेल में से जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है उसे लेस कर दें तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोल देते हैं इसे और यहीं से ही हम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या पीवी वी रेशो निकालते हैं पीवी वी रेशो मतलब हमारा कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन सेल में से तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन टू हंड्रेड हमारा यूज होता है कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट है तो सेल भी पर यूनिट लेना इस फॉर्मूले में और अगर कंट्रीब्यूशन टोटल में है तो सेल टोटल में लेना तो सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स जो हमारे को पैसा आया है मार्जिन है जो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द टिक्स कॉस्ट देखिए जब अगर मान लिया हम कोई 800 की चीज हजार में बेच रहे हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कह देते हैं आठ रुपए की चीज हजार में बेच रहे हैं तो हम कहते हैं दो का प्रॉफिट हो गया लेकिन असल में होता नहीं है क्योंकि आठ सौ में मान लिया कोई चीज खरीदी है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है और हमने बेचा वन थाउजेंड में तो जो दो सौ रुपए आए ये प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी हमने फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया दो सौ रुपए से पहले फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेंगे और हर यूनिट पर दो सौ रुपए फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते चले जाएंगे और जब पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो उसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट और उसके बाद में प्रॉफिट होना शुरू होता है तो हम लोग फिक्स कॉस्ट अगर पूरा रिकवर कर लिया हमने तो ही हमारे पास प्रॉफिट आता है और अगर इस मार्जिन से पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाया तो लॉस हो जाता है हम लोगों को तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट तो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें होती है कॉन्ट्रीब्यूशन में एक तो फिक्स कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होता है लेकिन अगर लॉस होता है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस हो जाता है बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं कर पाया फिक्स कॉस्ट को इट मीन्स हम लोगों को लॉस हो गया

ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए ये हेल्पफुल होता है ब्रेक इन पॉइंट का होता है सेल का वो लेवल जहां पर हमको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं ये फ्लेक्सिबल बजट बनाने में काम आता है जब हम बजटरी कंट्रोल में बजट बनाते हैं तो हर एक लेवल का अलग अलग छह हजार यूनिट सात हजार यूनिट आठ हजार यूनिट पर तो हम हर एक खर्चे को वेरिएबल या फिक्स्ड में डिवाइड कर लेते हैं तो वेरिएबल होता है पर यूनिट सेम रहता है उसे आउटपुट से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो ये वेरिएबल फिक्स सेमी वेरिएबल को भी दो हिस्से में बांट लेते हैं तो ये बजट बनाने में भी हमें हेल्प करता है प्राइस डिसाइड uh, करने में हेल्प करता है कि हमें पता चल गया टोटल कॉस्ट इतनी आएगी प्लस प्रॉफिट तो डिसाइड कर लेते हैं हम सेलिंग प्राइस क्या होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉस्ट किसी भी कॉस्ट एलिमेंट में कोई चेंज होता है तो उसका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा ये भी हम आराम से पता लगा पाते हैं ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है प्रॉफिट की प्लानिंग परफॉर्मेंस कैसी है डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प करता है तो हम ब्रेक इन पॉइंट निकालना सीखते हैं ब्रेक अगेन क्या होता है नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट ये उस ले सेल्स का वो लेवल है जहां पर हमको प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो प्रॉफिट जीरो हो जाए तो वैसे तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉस्ट अगर प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तो इसे हम हटा देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो तभी ब्रेक इन पॉइंट होता है इसे ब्रेक ब्रेक पॉइंट सेल्स भी कहा जा सकता है ये यूनिट्स में भी निकाला जा सकता है रुपीज में भी निकाला तो अब जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हम डिटेल में वो करते हैं कब कैसे अब आप एक बार पढ़ चुके हैं तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि ब्रेक इन पॉइंट यूनिट्स में निकालना होता है तो हमें फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना होता है और अगर हमें ब्रेक पॉइंट रुपीज में निकालना होता है तो हमें फिक्स कॉस्ट अपॉन पी वी रेशो लिखना होता है तो यहां से हम लोग पता लगा पाते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता लगाना क्योंकि अगर हम ब्रेक इन पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम लॉस में आ जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट होता है कि हम ब्रेक इन सेल्स को कर पाए अगर ब्रेक इन सेल्स ही नहीं हो पाएगी तो हम लॉस में चले जाएंगे जैसे एक बस है वो जा रही है एक सिटी से दूसरी सिटी में बस में सिक्सटी पैसेंजर के लिए सीट अवेलेबल है अब उसे पता है कि हमारा जो डीजल लगेगा हमारा जो कॉस्ट आएगा डेप्रीशन लगेगा हमारी जो वेजेस है सैलरी है ड्राइवर uh, की वो सारा मिला करके अगर हम जो चार्जेस ले रहे हैं चार्जेस ले रहे हैं पर पैसेंजर से तो वो इतना है कि कम से कम हमारे पास थर्टी फाइव बैठेंगे आउट ऑफ सिक्सटी तो भी हमारा पैसा वसूल हो पाएगा तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट है थर्टी फाइव पैसेंजर तो अगर थर्टी फाइव पैसेंजर से कम है तो वो जाने को ही मना कर सकता है कि भैया किसी और में चले जाओ क्योंकि वहां पर उसको लॉस हो जाए तो इसका ये फायदा हो जाता है हमें पता चल पाता है कि हम प्रॉफिट पर रहेंगे या लॉस पर रहेंगे तो इसका एक ये बेनिफिट भी होता है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि हमें क्या काम कर जैसे आप है ना किसी बैंकवेट हॉल में जाए अब बैंकवेट हॉल में आप गए और उससे कहा कि हम हमारे को उसने दो तीन हॉल अलग अलग दिखाए तो एक हॉल दिखाया उसने कहा कि यहां पर हमारे हंड्रेड लोग तक पार्टी में आ सकते तो आपने कहा जी हमारे पास तो ट्वेंटी ही है तो वो कहेगा जी फिफ्टी से कम में हम नहीं करेंगे क्योंकि तो उसे पता है कि वो टू थाउजेंड रुपीज पर प्लेट के हिसाब से लेगा फिफ्टी के लिए वन लाख रुपीज लेगा और उसे पता है अगर एक लाख रुपए से कम में तो उसे नुकसान ही होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसका स्टाफ का खर्चा है तो उसे पता बीस लोगों में वो चालीस रुपए देगा उस चालीस हजार रुपए में तो तीस हजार रुपए का खाने का सामान आ जाएगा उसके अलावा मतलब उसका टोटल जो फिक्स कॉस्ट ही है वो सत्तर अस्सी हजार तो बैठता ही है मिनिमम दस बीस हजार उसे प्रॉफिट भी चाहिए तो उसने कहा जी भैया ये वाला जो होल है ये तो पचास से कम में मैं नहीं दू ऐसे एक होल है उसमें कहा जी इसमें तीन सौ लोग आ सकते तो अब अगर उसे कहेंगे जी हम तीन सौ लोग आ सकते हैं हम तो पिछहत्तर है तो वही कहा भैया तीन सौ आ सकते हैं लेकिन डेढ़ सौ से कम में हमारा पड़ता नहीं खाएगा तो क्या होता है वो एक ब्रेक इन पॉइंट होता है उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पड़ी उन्होंने कुछ नहीं करा अनपढ़ आदमी है लेकिन एक्सपीरियंस हमें बताता है कि भैया इतने लोगों से कम में तो नुकसान है तो वो कहता है इससे कम तो मानेंगे नहीं तो ब्रेक इवन इवन सेल्स होती है है ब्रेक पॉइंट होता इससे कम में हम काम ही नहीं करेंगे है ना जैसे आप है ना टैक्सी लेते अब आपने टैक्सी ली पांच दिन के लिए और आप कह रहे हैं चले तो वो ये कहते हैं कि हम पर डे आपसे 200 किलोमीटर 20 टू फिफ्टी किलोमीटर या अब इससे कम का हम पैसा लेंगे ही नहीं आपसे कम से कम इतना लेंगे चाहे गाड़ी चले या ना चले तो वो क्यों लेते हैं क्योंकि उनको पता है हमारा टैक्सेस है इंश्योरेंस है डेप्रिशिएशन है बहुत सारी चीजें हैं तो हमारा अगर वो हमें नहीं देंगे तो कोई और उनसे गाड़ी लेकर जाएगा तो कम से कम उनका हिसाब भाई आपको पंद्रह बीस लाख रुपए की गाड़ी दे रहा है आप जा रहे हैं आप कहें जी हमें तो यहाँ से जाना है दस किलोमीटर दूर और वहां पर हमारा पांच घंटे का काम है फिर दस किलोमीटर के लिए वापस आना है तो बीस किलोमीटर है आपका रेट पंद्रह रुपए बीस रुपये है तो तीन सौ चार सौ रुपए देंगे और वो तीन सौ चार सौ रुपए के लिए पूरा दिन खराब करेगा आपके लिए नहीं करेगा पंद्रह बीस लाख की गाड़ी आपको देगा नहीं देगा ड्राइवर देगा नहीं देगा तो आपको क्या करना चाहिए भैया आप ओला उबर जो है रेडियो टैक्सी जो होती है ऑनलाइन करो और उससे चले जाओ सौ दो सौ रुपये में जाओ सौ दो सौ रुपये में आ जाओ वो सस्ता पड़ेगा लेकिन अगर आपको पांच सौ किलोमीटर जाना है सात सौ किलोमीटर जाना है तो और आपको खूब घूमना है तो फिर एक गाड़ी आपके पास हमेशा रहे तो इसीलिए वहां मिनिमम कुछ चार्जेस होते हैं वो इसलिए वो ब्रेक इन एक्सपीरियंस से निकालते हैं कि हमारा ब्रेक इन पॉइंट ये है इसे कम में हम लेंगे ही नहीं तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब ब्रेक इन पॉइंट जो फॉर्मूला हमने देख लिया कि क्या होता है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम यूनिट्स में निकालना चाहते हैं और फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी वी रेशो अगर हम रूपीज में निकालना चाहते अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है दो या तीन प्रोडक्ट है तब उन सबका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि इन प्रोडक्ट को किस रेशो में हमें बनाना नहीं तो अब तीन प्रोडक्ट है, तो है तो रुपीज में आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा अगर आपका आउटपुट में रेशो फिक्स है तो आपका यूनिट्स में निकलेगा और जो भी ब्रेक इन पॉइंट निकलेगा उसको अगर यूनिट्स में है, तो यूनिट्स के रेशो में डिवाइड किया जाएगा बाद में और अगर रुपीज में है तो रुपीज में डिवाइड किया जाएगा तो हमें क्वेश्चन में जब भी ओवरऑल या पॉइंट पूछा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी दे रखी होगी जहां पर हमें यूनिट्स का रेशो या टोटल सेल्स का रेशो दिया होगा श्योरली जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे बोला गया है कि क्वांटिटी वाइज 20, 30, 50 परसेंट हम माल बनाते हैं और बेचते हैं तो इसका ये यूनिट्स में ही आप पॉइंट निकाल पाएंगे तो आपको क्या करना है टोटल ओवरऑल फिक्स कॉस्ट दे रखा है चौदह लाख अस्सी हजार तो चौदह लाख अस्सी हजार को आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है तो हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको एक यूनिट का ऑन एन एवरेज जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो निकालना पड़ेगा उसके लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है मेथड नंबर वन आपने क्या करा हर एक प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल में निकाला इसका रेशो दे रखा है और फिर आपने ये कर दिया ये टोटल आ गया इसका एक रास्ता और है क्या 20% 30% और 50 सेल है तो हम ये माने कि इसकी सेल जो है दो यूनिट होगी है ना इसकी सेल तीन यूनिट होगी इसकी सेल पांच यूनिट होगी तो अगर इसकी दो यूनिट की सेल होगी तो सौ रुपए इसकी तीन यूनिट होगी तो एक सौ बीस रुपए इसकी पांच यूनिट होगी तो एक सौ पचास रुपए टोटल तीन सौ सत्तर रुपए और आपने दो दो तीन पांच मतलब दस यूनिट बेची है तो एक यूनिट सैतीस रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी या तो ऐसा करें वेट को हम टू थ्री फाइव लें या वेट को ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ले या वेट को ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी यूनिट्स भी ले सकते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा अगर एक यूनिट से ज्यादा क्योंकि हमें एवरेज एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए डिवाइड करने का यही हमारा एक और क्वेश्चन सेट करके दिया है मैंने आपको जहां पर हमारा जो सेल्स है वो रेशो में दिया हुआ है तो जहां सेलिंग प्राइस रेशो में है वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह हमें पीवी रेशो लेना पड़ेगा। अब पीवी रेशो लेने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू टू हंड्रेड तो यहां पर टू लैख फाइव लैख और थ्री लैख की हमें सेल दे रखी है तो इसके अंदर इसका रेशो हो गया ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी या टू फाइव थ्री का रेशो हो गया तो हमें क्या करना चाहिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इन तीनों का जो एक्चुअल डाटा दिया है उसका एक्चुअल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल ले और टोटल सेल भी पता है तो पीवी वी रेशो के लिए फॉर्मूला लगा दे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन टू हंड्रेड ये थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट आ गया और फॉर्मूले में लगा दे तो जो आंसर आएगा ओवरऑल ब्रेक इन पॉइंट आएगा फिर उसको अगर प्रोडक्ट वाइज चाहते हैं तो हमें ट्वेंटी फिफ्टी और थर्टी परसेंट में डिवाइड करना ठीक है तो हमें क्वेश्चन को देखकर पहचानना है कि हमें जो यूनिट्स में ब्रेक इन पॉइंट आएगा या हमारे पास रुपीज में आएगा कई बार हमें प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इन पॉइंट नहीं निकालकर प्लांट वाइज निकालना होता है हमें दो अलग plant, अलग प्लांट अलग अलग कंपनी का डाटा दिया दोनों ही कंपनी हमारी है हम ये चाहते हैं कि मर्ज प्लांट या ओवरऑल बिजनेस का ब्रेक इन पॉइंट पता चले तो इसके लिए एक ही टेक्निक और स्टेप है कि हमें जो यूटिलाइजेशन है आउटपुट है इन क्वेश्चंस में कभी भी 100% कैपेसिटी हमें नहीं दे रखी होगी तो आपको बस एक सिंपल सा टेक्निक अपनाना है इन दोनों कंपनी को इन दोनों बिजनेस को आपको 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करना है और जैसे ही आप इसे 100% कैपेसिटी पे कन्वर्ट करेंगे तो ये मर्ज्ड प्लांट आ जाएगा 100% कैपेसिटी पे सेल 100% कैपेसिटी पे वेरिएबल कॉस्ट तो यहां पर आप 100% परसेंट कैपेसिटी पे पीवी रेशो निकालेंगे और आप टोटल पॉइंट निकाल पाएंगे ये याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे 100% पे कन्वर्ट करने के लिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को ही कन्वर्ट किया जाएगा तो जो कई बार इन क्वेश्चंस में हमसे ये भी पूछा जाता है कि मर्ज प्लान की कैपेसिटी बताइए कि ब्रेक इन पॉइंट पर किस कैपेसिटी पर काम करेगा तो हमारा जैसे ब्रेक इन पॉइंट आ गया फाइव जीरो तो हमें पता मर्ज प्लान जो है उसकी ओवरऑल 100 परसेंट कैपेसिटी पर जो सेल होती है वो 1100 हंड्रेड होती है है ना अब हमारे 501 जीरो पर ब्रेक पॉइंट आएगा तो इसका कैपेसिटी 45 फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट कैपेसिटी होगी हमारे दोनों प्लांट की मर्ज प्लांट की जब हम लोग ब्रेक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे अगर कैश ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो जो फिक्स कॉस्ट हम लेते हैं उसमें हमें केवल कैश फिक्स कॉस्ट लेनी है बट इट मींस यू हैव टू एक्सक्लूड आउट ऑफ कॉस्ट क्योंकि एक नॉन कैश आइटम होती है उसकी जगह और कोई भी अगर नॉन कैश आइटम है तो उसे हटाइए ना केवल फिक्स कॉस्ट से बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी वेरिएबल कॉस्ट में भी अगर कोई नॉन कैश आइटम है तो उसे भी आप हटा दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता ही है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है इसके हम हमने काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए पॉइंट है उस क्वेश्चन में एक पीवी वी रेशो होता है जो हमने बात करी थी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन टू हंड्रेड बट ये दो तीन तरीके से और निकाला जा सकता है हमें पता है जो सेल्स है हमारी सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है सपोज कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस का एट्टी परसेंट ही होगा तो कई बार हमें क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया है परसेंटेज ऑन सेल्स लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का एट्टी परसेंट है इट मीन पी वी रेशो ट्वेंटी परसेंट हो तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हंड्रेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल्स

अपॉन सेल इंटू हंड्रेड ये सब होता है एक और फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन मार्जिन सेफ्टी इंटू हंड्रेड तो हम पहले समझते हैं मार्जिन सेफ्टी। देखिए हम लोग इस बात को अगर समझ गए तो हमें पूरा जो चैप्टर है मार्जिन मार्जिनल कॉस्टिंग का समझ में आ जाएगा अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में किया है ब्रेक इन पॉइंट सेल का वो लेवल है जो फिक्स्ड कॉस्ट हमें रिकवर कराता है थ्रू मार्जिन थ्रू कंट्रीब्यूशन, और इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी वी रेशो तो ब्रेक इन पॉइंट ने हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर कराया और फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद हमारे को प्रॉफिट होता है तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है जिस सेल पर हो रहा है उस सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैं तो जिस सेल से फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हुआ उस सेल को ब्रेक यून पॉइंट बोलते हैं और जिस सेल से हमें प्रॉफिट रिकवर हुआ उस सेल को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमें रिकवर करनी है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशो तो हमारे ब्रेक पॉइंट आएगा और अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता लगाना है तो वो प्रॉफिट वाले पोर्शन की सेल से आ रहा है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवीडेश लगाना पड़ेगा अब अगर हम पूरी सेल की बात करें तो सेल हमारे को फिक्स कॉस्ट भी दे रही है और प्रॉफिट भी दे रही है तो पूरी की पूरी सेल हमारी जो होती है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवीडेश का फॉर्मूला होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सेल होती है ब्रेकिंग पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इन पॉइंट फिक्स कॉस्ट रिकवर कराती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें प्रॉफिट देता है तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया अगर यूनिट्स में चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया और अगर हमें यूनिट्स की बजाय रुपीज में चाहिए तो पी वी रेशो से डिवाइड किया और यहाँ से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया और यहाँ से हमारा ब्रेक इन पॉइंट आया और ये हमारा क्या आ गया सेल्स अब पीवी रेशियो रेशो चाहिए अब हमारा क्या है इन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो तो हम कह सकते हैं पीवी रेशो क्या होता है फिक्स कॉस्ट पॉइंट हम यहां से निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपऑन पीवी रेशो तो हम क्या कह सकते हैं पीवी रेशो का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ये फॉर्मूला यहां से निकल करके आए इसके अलावा पूरी जो सेल्स है जो सेल्स है वो फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो तो पीवी रेशो का फॉर्मूला यहां से आ गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स तो क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो पीवी रेशो के लिए हम लोग ये फॉर्मूला मार्जिन सेफ्टी ब्रेकिंग टोटल सेल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं तो उसके बारे में हमें दे रखा है तो पीवी वी रेशो के अलग अलग फॉर्मूले हो गए इन सब में से जो हमें जहां पर जरूरी होगा वो हम लगा पाएंगे मार्जिन सेफ्टी यूनिट्स तो में चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में जाइए तो प्रॉफिट अपॉन रेशो हम सेल्स में से पॉइंट भी लेस कर सकते हैं रुपीज में लेस करेंगे तो हमारा रुपीज में आ जाएगा और सेल में से ब्रेकिंग पॉइंट यूनिट्स में लेस करेंगे तो यूनिट्स में आंसर आ जाएगा ऑफ सेफ्टी रेशो की कितना परसेंटेज सेल का हिस्सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है मतलब सेल टोटल सौ रुपए की है तो उसमें से कितनी सेल ऐसी है जो हमें प्रॉफिट दे रही है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल इन टू तो हंड्रेड करके हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आउट ऑफ सेल और अगर हमें पता है ब्रेकिंग पॉइंट मान लिया साठ परसेंट है सेल का साठ परसेंट हिस्सा फिक्स कॉस्ट टेक ओवर करके दे रहा है चालीस परसेंट हिस्सा ही प्रॉफिट दे रहा होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें ऐसा दिया है तो मार्जिन और सेफ्टी निकाला जा सकता है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमेशा ही काम आता है ये वाला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा कई बार क्या होता है सीधा सीधा हमें कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करा प्रॉफिट आ जाएगा और मार्जिन और सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पी वी रेशो तो यहाँ से भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है सेल का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशो है ना तो यहाँ से भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रॉफिट निकालने के लिए भी सेल जहां जहां यूज हो रहा है सेल हमारा वो यूज में ले सकते हैं हम कैसे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या मार्जिन और, और ऐसे ही जहां जहां हमने यूज किया है अलग अलग फॉर्मूला जहां पर सेल यूज आया है वहां पर हर जगह हमारा सेल निकाला जा सकता है उन फॉर्मूला से तो पहले जो फर्स्ट हाफ है इस चैप्टर में उसमें ये सब फॉर्मूला बेस्ड है कि हम कैसे कैसे निकालें पी वी रेशो ये सब है। तो ये बेसिकली ज्यादातर आपके लेवल पर तो यही है लेकिन इसके बाद में जब आप फाइनल लेवल या बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है मार्जिनल कॉस्टिंग अब डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेक इन चार्ट से के थ्रू भी निकाला जा सकता है हम लोग एक्सिस पर सेल्स से लिख लें में और वाई एक्सिस पर रुपीज तो एक टोटल कॉस्ट लाइन एक हम फिक्स लाइन और सेल्स लाइन बनाएंगे जहां सेल्स और टोटल कॉस्ट मैच हो जाएंगी एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा ब्रेक इन पॉइंट होगा जैसे यहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट लाइन है ये हमारी टोटल कॉस्ट लाइन है टोटल कॉस्ट जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो होती होती है तो हम पहले फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट लाइन आ जाती है फिर सेल्स सेल्स जीरो पे तो जीरो होती है जीरो यूनिट पर सेल्स लाइन जब बनाएंगे तो जीरो से शुरू होगी और एक लेवल पर आकर वो टोटल कॉस्ट लाइन को कट कर देगी तो जहां इस जगह टोटल कॉस्ट लाइन को इसने कट किया है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है अगर हम इसे यहाँ मिला देंगे और यूनिट्स में नीचे चल रहा है तो ब्रेक इन पॉइंट हमारा यूनिट्स में आ जाता है और अगर ये ही हम यहाँ मिला देंगे तो रुपीज में होने की वजह से हमारा रुपीज में ब्रेक इन पॉइंट आ जाता है जो ब्रेक इन पॉइंट है उससे ऊपर की सेल पर हमें प्रॉफिट होता है ये जो इनकम लिखा प्रॉफिट है और इससे कम सेल होगी तो हमें लॉस होगा ये भी लिखा हुआ है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एक तरीके से पी वी रेशो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा एंगल ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो ये हमारा ग्राफिकल अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच में प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट भी होता है यहां पर हम टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन की जगह हम यहाँ पर सेल्स लाइन बनाते हैं और प्रॉफिट और लॉस लाइन बनाते हैं जहां प्रॉफिट और लॉस लाइन कट होती है यहां पर जीरो पर यहां पर प्रॉफिट लॉस जीरो है तो जहां प्रॉफिट और लॉस लाइन सेल लाइन को कट कर, करेगी वही हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो जाए जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये एक्चुअल में ज्यादा यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को और ज्यादा जब हम बनाएंगे तो उसमें जो हमारा खर्चा आता है एक यूनिट और बनाने का उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं लेकिन कायदे से देखा जाए तो डिसीजन फटाफट -फड़ तो आता है मार्जिनल कॉस्ट से लेकिन ज्यादा सही और एक्यूरेट डिसीजन हमें डिफरेंशियल कॉस्ट बताता है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है और मोर और लेस आंसर लगभग सेम सा ही आता है तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा पॉपुलर है वो जल्दी से फटाफट एक मिनट में आंसर आपको दे देगा इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे पता लगाता है पहले एक लेवल पर आपने कॉस्ट या सेल निकाली दूसरे लेवल पर करी और दोनों का डिफरेंस निकाला तो इसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलते हैं अब यहाँ पर ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होती है सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट है

अलग अलग आउटपुट पर पहले लिखना पड़ेगा फिर उनका डिफरेंस निकालना तो ये थोड़ा मुश्किल होता है अब हमें मान लिया अलग अलग आउटपुट है अंदाजा नहीं है मार्जिनल तो बिना आउटपुट के भी सीधा सीधा आंसर हमें बता देता है एक मिनट लगाता है ब्रेक ब्रेकिंग पॉइंट क्या है उससे ऊपर प्रॉफिट है उससे कम लॉस है उससे ज़्यादा है तो काम कर लो नहीं है तो मत करो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम है हर एक हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितनी सेल्स है कितनी नहीं है फिर उन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा तो मार्जिनल और differential, differential का आएगा अगर में कोई नहीं है। लेकिन थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से होता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करते जैसे हम इसमें जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके एक्चुअल में फंक्शन के हिसाब से करते हैं जैसे इसमें कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड तो ये ऐसे डिस्टिंग्विश करता है वेरियस एक्सपेंसेस को जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स्ड या वेरिएबल तो एक तो ये फर्क है दोनों के अंदर कि ये वेरिएबल और फिक्स्ड में खर्चा नहीं बांटता है ये उनके फंक्शन के हिसाब से खर्चे को बांटता है दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि जो एब्जॉर्न कॉस्टिंग होती है इसमें जब हमारा स्टॉक आता है फिनिश्ड स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस तो इसके अंदर हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इन शॉर्ट फैक्ट्री कॉस्ट पर ये वैल्यू होता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में इसमें प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है अनटिल अलेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखे हो तो वो भी इसका पार्ट हो जाता है लेकिन अगर नहीं है तो मेनली फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है फिनिश तो जब एब्जॉर्बन कॉस्टिंग में फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है तो इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क है मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये फिक्स कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है बट विद डिफरेंस की इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट ही होती है जो मार्जिन कॉस्टिंग कहती है कि जो फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है ही नहीं ये कहती है मार्जिन कॉस्टिंग हमारी जो कॉस्ट होती है वो तो दो टाइप की है एक है प्रोडक्ट की कॉस्ट और एक है टाइम की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट टाइम की कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट तो ये कह, कहते हैं कि कायदे से देखा जाए ना तो फिक्स कॉस्ट हम अपने कस्टमर से ले ही नहीं सकते फिक्स कॉस्ट हम प्रॉफिट मार्जिन से ही लें तो फिक्स कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर सकते हैं कस्टमर से एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा डेली बेसिस का हजार रुपए का खर्चा है जिस जगह मैं बैठा हु और आज मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया जब आखिरी कस्टमर रात को दुकान बंद करते समय जाने लगा तो एक कस्टमर आया जिसने मेरे से पांच सौ रुपए का सामान मांगा मैं उसे कहूंगा कि पांच सौ रुपए का सामान प्लस हजार रूपये की फिक्स कॉस्ट दे क्योंकि आज की हजार रुपए की फिक्स कॉस्ट है वो नहीं देगा तो इसका मतलब मार्जिन कॉस्टिंग कहता है कि हम फिक्स कॉस्ट कस्टमर से सीधा नहीं ले सकते अब ये चीज 400 की थी पांच रुपए में बेची तो सौ रुपए ही मेरे पास आएंगे कॉस्ट तो ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट के अंदर डाले ही क्यों लेकिन एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग कहता है कि जो हमारा खर्चा है प्रपोर्शनेट खर्चा हमारा आना चाहिए सारा नहीं लेकिन प्रपोर्शनेट आना चाहिए तो उसके लिए क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब करें और उसको चार्ज करें दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस बताया दोनों का प्रॉफिट अलग, अलग अलग आएगा क्योंकि दोनों में मेथड अलग है तो इनकम स्टेटमेंट जब हम एब्जॉर्बन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाते तो हमें पता है सेल में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो जीपी आएगा तो सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उट ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी जैसे कॉस्टीट में करते थे प्लस अब मतलब ये अंदर अंदर सब आपस में प्लस हो रहे हैं है ना अंदर अंदर हो रहे हैं आप इसे ना देखें क्योंकि लास्ट में ये सेल में से आप चाहे ना भी लिखें कंफ्यूज हो तो आप अंदर, अंदर अंदर लिखें सब कुछ प्लस हो रहा है प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी माइनस सेल ऑफ स्क्रैप प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू तो प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ये सब करने के बाद में हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेकिन यहां पर क्या ध्यान रखना है हमें कि यहां हाँ पर जो ये है ये वाले हैं और जब हम एब्जोर्व करते हैं तो अंडर ओवर भी हो सकता है हमने कम लिखा ज्यादा क्योंकि हम तो अंदाजे से पहले से लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट हम पहले से प्री प्रीडिटर रेट होता है जैसे हमारा रेट है फैक्ट्री ओवरहेड है सिक्सटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस हमने लिख लिया लेकिन एक्चुअल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है वही तो अभी एब्जॉर्ब ही लिख रहे हैं। के हिसाब से हमने जीपी निकाला अब जीपी के बाद में हमने सेलिंग ओवरेड़, ओवरेड़ लिखे यहां पर भी फिक्स वेरिएबल दोनों लिखे तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट बट अभी हमने अंडर ओवर एब्जॉर्न की एडजस्टमेंट नहीं करी है ये एज्यूम करते हुए कि अंडर ओवर एब्जॉर्बन का मतलब हम कॉस्टिंग पीएनएल में जो ट्रांसफर करते हैं तो अगर अंडर तो माइनस करेंगे में से, और है तो हम प्लस कर देंगे ओवर तो एब्जॉर्प्शन लेस कर देंगे अंडर एब्जॉर्प्शन और करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आएगा तो ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी किया था इसमें ईयर वन और ईयर टू था तो यहाँ पर हमें पहले आउटपुट या जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से हमें दे रखी है तो पर यूनिट के हिसाब से हमें पता है कि हमारा जो आ, होता है overhead, वो स्टैंडर्ड कैपेसिटी के, के हिसाब से ही होता है और वो स्टैंडर्ड कैपेसिटी के, के हिसाब से ही हमने पर यूनिट फिक्स ओवर चार रुपए ले रखी है इसका मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें हमारा रुपए के हिसाब से होने वाला है। तो हमने क्या करा? ये जो जो प्रोडक्शन है हमारा वो देखा कितनी प्रोडक्शन हुई है और जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से हमने सारी कॉस्ट निकाली है ना तो जब हमारी जो प्रोडक्शन हुई वो हमारी दो लाख बीस हजार यूनिट हुई अब दो लाख बीस हजार पे चौदह के हिसाब से लिखा चार रुपए के हिसाब से हमने फिक्स भी लिखा तो वो चार रुपए के हिसाब से दो लाख बीस हजार यूनिट पेट पे हमने आठ लाख अस्सी हजार हमारा चार रुपए के हिसाब से नॉर्मल कैपेसिटी मतलब आठ लाख ही है जब ज्यादा आउटपुट होगा तो ओवर एब्जोशन होगा हमने ज्यादा खर्चा लिख दिया तो अब हमने क्या करा जीपी निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया सब कुछ अब हम चाहें तो इसको यहीं पर ही एडजस्ट कर लें, 25 ,20 लिखा है। तो या हमारे अलग -अलग होते हैं सप्लीमेंट्री रेट।, तो रेट का मतलब तो वो यही पे एडजस्ट हो जाएगा ट्रांसफर टू तो पीएनएल तो लास्ट में होगा तो हम अगर इसे चाहें तो यहाँ ना करें हम पहले सारा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें फाइनल प्रॉफिट निकाल लें और फाइनल प्रॉफिट के बाद में जैसे ही सेलिंग पहले प्रॉफिट निकाल लें फिर हम एडजस्टमेंट करें ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? पहले सीओजीएस फिर सेल में से सीओजीएस करके जीपी आ गया जीपी में से हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग लेस कर दिए नेट प्रॉफिट आ गया अब यहां पर प्लस माइनस अंडर ओवर एब्जॉर्ब हम लास्ट में भी कर सकते वो भी ठीक है कोई दिक्कत तो ये सब होता है हमारा अब इसके बाद हम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आप तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना आठ दस बारह चौदह सोलह नंबर का आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट होता है काफी बड़ा क्वेश्चन होता है और सिंपल भी होता है तो आपके नंबर बहुत जल्दी आराम से सही सही इसमें आ जाते हैं यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है एब्जॉपन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाइए मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाइए फिर रिकॉन्सिलेशन बनाइए तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से क्या होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब वेरिएबल कॉस्ट सेल में से क्या लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकिन हमने तो प्रोडक्शन अलग करिए तो हम क्या करते हैं अंदर अंदर पहले हम पता लगाते हैं वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी जो है फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है उसकी वेरिएबल कॉस्ट ले है ना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है जो इतना माल बनाया है फिर उसमें प्लस माइनस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स और यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी वेरिएबल कॉस्ट पे ही होता है तो जो माल हमने बेचा उसकी वेरिएबल कॉस्ट आई जो माल बेचा और वो भी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट जब मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट मैन्यक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, cost, की नहीं लिखी। क्योंकि हमने क्या करा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आई क्योंकि हमने ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स कर दिया तो कहने का मतलब यह है पहले हम जितना माल बनाया है प्रोडक्शन हुई है उसकी वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे क्या डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री तो हमारी आएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर तो आती है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर उसमें सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वेरिएबल लेते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है उसे सेल में से लेस करते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं कोई सी भी फिक्स कॉस्ट होती है तो प्रॉफिट आ जाता है हमारा ठीक है तो यहां अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का सवाल ही नहीं उठता है रीजन बीइंग अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है फिक्स्ड ओवरहेड में और वो यहां पर तो लास्ट में एक्चुअली लिखते हैं जो टोटल है यूनिट में तो लिखते ही नहीं है तो यहां पर क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है अब यहाँ वही क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वही क्वेश्चन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से किया था सेम वही क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग में पर क्या है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने चौदह रुपए का वैल्यू करा था याद हो दो लाख बीस हजार यूनिट बनाई थी और फिर जो फिक्स्ड रेट थे आठ अस्सी हमने रिकवर करे थे यहां कोई टेंशन ऐसी है ही नहीं यहां तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे माल बनाया दो बीस तो दो बीस यूनिट दो लाख बीस हजार रुपए हमें पता है दस रुपए के हिसाब से बाईस लाख रुपए का खर्चा आएगा यह आ गया लाख रुपए का खर्चा फिर प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा फिर वेरिएबल सेलिंग ओवर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखे जाएंगे और टोटल मिलाकर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से लेस करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल लिख देंगे यहाँ तो कम ज्यादा का सवाल ही नहीं होता तो ये हमारी आ जाती है तो जो मेन डिफरेंस है प्रॉफिट का दोनों में क्योंकि हमने ओवर अंडर ऑब्जर्वेशन तो लास्ट में एडजस्ट कर ही दिया तो केवल डिफरेंस आता है स्टॉक की वैल्यूएशन जो स्टॉक है एबजॉर्बशन कॉस्टिंग में ज्यादा वैल्यू पर लिखा जाता है क्योंकि वहां पर फिक्स्ड भी है और मार्जिनल में कम वैल्यू पर लिखा जाता तो जब हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको याद रखना है आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे हैं जैसे हम नॉर्मल रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप एब्सॉर्बेशन का प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको निकालना क्या है मार्जिनल का प्रॉफिट और हमें पता है मार्जिनल प्रॉफिट में स्टॉक की वैल्यूएशन कम होती है तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में लिखा जाता है तो अगर इनकम साइड को कम वैल्यू पे लिखेंगे इनकम साइड को कम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखेंगे तो प्रॉफिट कम होगा इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखने की वजह से मार्जिनल में प्रॉफिट कम होता है तो माइनस होता है और ओपनिंग स्टॉक खर्चे में आता है और खर्चा अगर कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा इसलिए प्लस होता है यही अगर हम मार्जिनल का प्रॉफिट लेकर चलेंगे तो हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रेट पर लिखा हुआ है जिससे प्रॉफिट बढ़ गया है तो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक का तो मार्जिनल लेकर चलेंगे तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आएगा एब्जॉर्प्शन लेकर चलेंगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट इतना सा काम हमने करना होता है तो क्वेश्चन एक पूरा आता उसके अंदर क्या रहते हैं कि हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट और फिर रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन होते तो ये एक पार्ट था इसके बाद इस चैप्टर में आता डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग जो है ये हमें हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्ट इन डिसीजन लेने में जैसे प्रॉफिट प्लानिंग करनी है हम लोगों को तो हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालेंगे जैसे बजट बनाते हैं। एक तरीके से बजटरी कंट्रोल वाला मेथड अपनाकर विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि जब हम बजटरी कंट्रोल बना रहे होते हैं तो हमारी मर्जी हम जो मर्जी करें लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में भी चाहे बजटरी कंट्रोल का चैप्टर हो चाहे मार्जिन का क्वेश्चन हो या बजटरी का अगर आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो फ्लेक्सिबल बजट इजीली बन जाता है तो क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम रहेगी और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी तो यहाँ पर भी हमसे जनरली क्या बोला जाता है जैसे यहाँ पचास परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं दस हजार यूनिट साठ और अस्सी पे हम करना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट की तरह विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हम वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट एक साल लिख कर, कर ले फिर हमसे बोला जाएगा लास्ट में कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए या प्रॉफिट कितना होगा या हम प्रॉफिट चाहते हैं दस परसेंट एड करके तो हम आराम से निकाल सकते हैं तो अगर हमसे पूछा है सेल प्राइस जितना तो प्रॉफिट कितना होगा तो हम क्या करें अब यहाँ पर एग्जाम में ये तो नहीं बोला बजट बनाओ तो आप बजटरी कंट्रोल वाले मेथड से भी कर सकते हैं या मार्जिनल भी सेल लिखा वेरिएबल कॉस्ट इससे मार्जिनल से करने से टाइम सेव होता है क्या मार्जिनल में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबका टोटल करके आप एक साथ टोटल यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए फिर फिक्स कॉस्ट एक साथ ले, लेस कर दीजिए तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है बजटरी कंट्रोल में एक एक चीज अलग अलग लिखा लिखकर बड़ा टाइम लग जाता है उसमें जैसे एक स्कूल था यहाँ पर बता रखा है कि बच्चों को लेकर जा रहा है हर बस में तीस बच्चे जा सकते हैं तो बस के हिसाब से या बजट बोल रखा है तीस नंबर साठ नब्बे एक सौ बीस एक सौ पचास बच्चों के हिसाब से बजट बनाइए तो ये बजट बनाना या मार्जिनल में लगभग एक सा काम रहता है क्योंकि यहाँ पर जब तक कि हमें ये ना बोल रखा हो कि स्टॉक वगैरह निकालना है क्योंकि वहां पर फिर हमें एब्जॉर्प्शन लगाना है या मार्जिनल तो हमें सोचना पड़ेगा बजटरी कंट्रोल में भी जनरली ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं है तो आप उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो मार्जिनल और एबजॉर्प्शन का सेम आंसर आता है क्योंकि दोनों में जो फर्क होता है वो केवल किसकी वजह से होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से और अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो दोनों का आंसर सेम आएगा तो हमारे को डिसीजन ले, लेने में मार्जिनल तभी हेल्प करता है इसमें जनरली हमें आपके लेवल पर इंटरमीडिएट लेवल पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता ज्यादातर केस में। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि दो मशीनें हैं अलग अलग हमने बता रखा है तो पूछा कौन सी मशीन इकोनॉमिकल है तो देख लेंगे ना जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है अगर सेल प्राइस है तो जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है और सेल प्राइस नहीं है तो जिसकी कॉस्ट कम है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है तो हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेक और बाय डिसीजन यहां पर एब्जोर्शन के हिसाब से किया तो गलत हो जाएगा क्यों मान लिया मेक और बाय डिसीजन में ये होता है कि आप कोई चीज बना रहे हैं ना उसमें वेरिएबल कॉस्ट अस्सी रुपए आ रही है पर यूनिट डिवाइड कर दिया आउटपुट को छोड़ दिया जाए और फिक्स कॉस्ट आ रही है चालीस रुपए आपने टोटल कॉस्ट 120 आया जो आप बनाते हैं जिस लेवल पर बनाते हैं उस लेवल पर स्टैंडर्ड नॉर्मल आउटपुट पर पर यूनिट ये आ रहा है आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और आपका सेलिंग प्राइस है एक सौ अब मेक और बाई के डिसीजन कैसे होते हैं एक आपके पास सप्लायर आएगा वो कहेगा आ, आ, कि आप है ना हमसे एक सौ दस रुपए में ये ले लो सामान ठीक है अब हम अगर ये देखेंगे कि ये सामान हमें कितने का पड़ रहा है एक सौ बीस का और वो हमें बना बनाया हमारे जैसे सामान कितने का दे रहा है एक सौ दस का तो हम मुझसे खरीद लेंगे सस्ता पड़ेगा नहीं यही गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मार्जिन कॉस्टिंग कहता है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट एक सौ बीस नहीं है अस्सी है रीजन बींग अगर आप उससे खरीदोगे बना मना है, तो क्या फैक्ट्री छोड़ दोगे फैक्ट्री का देना पड़ेगा जो आपके परमानेंट वर्कर हैं उनको आप नौकरी से थोड़ी ना निकाल दो तो इन शॉर्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती रहेगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अस्सी है अगर वो अस्सी से सस्ता देगा तो हमें लेना चाहिए या कई बार इसमें बोला गया कि ये जो चालीस रुपए की जो कॉस्ट है इसमें पंद्रह uh, रुपए की परमानेंट है मतलब इसे तो अवॉइड कर ही नहीं सकते अब पच्चीस रुपए की ऐसी है कि अगर हम फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो पच्चीस रुपए कम हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं अस्सी रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है और ये पंद्रह रुपए का तो होना ही होना है तो हमारी कॉस्ट कितनी है नाइन्टी फाइव अब अगर नाइन्टी फाइव से सस्ता मिलेगा तो हमें ले लेना चाहिए तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें वो सॉरी 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 पंद्रह रुपए की कॉस्ट होगी होगी तो हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है अब अगर मान लिया कोई इंसान हम लोगों को अभी चेक करता हूं अगर कोई इंसान हमसे कहे कि भैया हमसे जो है नब्बे रुपए का ले लो है ना तो हम क्या कहेंगे नब्बे रुपए का ले लो तो नब्बे रुपए में एक तरीके से पंद्रह रुपए का खर्चा तो हमें आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो परमानेंट है तो हमें कितने का पड़ेगा नब्बे और पंद्रह 105 है ना और अभी हमें कितने का पड़ रहा है हाँ वही अभी हमें कितने का पड़ रहा है ये 80 और 15 95 तो हमें महंगा ही पड़ रहा है उससे लेकर तो अब कंपेरिजन कैसे करेंगे तो कंपेरिजन कैसे करें कि भैया जो हमारी कॉस्ट आएगी जो उससे आ रही है ना या तो हम उसको जो वेरिएबल कॉस्ट है अस्सी रुपए है ना वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट ले जो उसकी है उसमें हम परमानेंट वाली जोड़ दें तो उतना तो तो उतना उतना हमारा खर्चा बैठेगा उतना तो हमें कम से कम से देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी कुछ परमानेंट होती है तो मेक और बाय में हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कोई अगर हमसे कहेगा कि टोटल तो, क्वेश्चन जानबूझ के फ्रेम ऐसा होगा जो क्वेश्चन हमसे कहेगा टोटल कॉस्ट इतनी है जैसे एक और क्वेश्चन में कहेगा एक में मिल रही है तो क्या करें आपको फसाने के लिए तो आप कहोगे नहीं हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करना क्योंकि तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो होगी नहीं होगी उस बात पर डिपेंड करता तो मेक और बाय के डिसीजन होते हैं एक होता है ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मेक्स ये सबसे आसान होते हैं अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएं क्यों ये कह रहे हैं जी हमारे पास ए बी सी डी चार प्रोडक्ट है इतनी इतनी सेल होती है इतना रेशो है सेल इतनी तो आपको क्या करना है मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से आपने क्या करना है सेल लिखी वेरिएबल कॉस्ट लिखी टोटल कंट्रीब्यूशन आया टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करा प्रॉफिट आ गया अब ये कह रहा है नहीं नहीं हम जो है एबीसीडी का रेशो चेंज करना चाहते हैं जो रेशो हमारा था पहले उस रेशो को चेंज करना चाहते हैं बताओ क्या करें अरे क्या बताओ क्या करें बड़ा आसान है नए रेशो में निकाल लो प्रॉफिट कितना हो रहा है अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है पहले के मुकाबले या कॉन्ट्रीब्यूशन से ही कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इक्कीस हजार रुपए ट्वेंटी वन थाउजेंड अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारे पास नाइनटीन थाउजेंड एट्टी रुपीज है ना तो हम भैया मना कर देंगे हमारा नुकसान हो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया पीवी वी रेशो पहले थर्टी फाइव था अब कम रह गया क्यों जिसमें ज्यादा मार्जिन था उसका रेशो कम कर दिया जिसमें कम मार्जिन था उसका रेशो बढ़ा दिया तो नुकसान हो जाएगा सेल मिक्स में कुछ नहीं करना दोनों अलग अलग सेल पर प्रॉफिट निकालना जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वही और ये कॉमन सेंस लगाते हुए क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास बड़े आराम से क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व होते जाएंगे प्रोडक्शन अब जैसे क्या है हम एबीसी प्रोडक्ट बनाते ठीक है क्वेश्चन में कहा जाए एबीसी की जगह एडीसी बनाए तो क्या होगा कोई बात नहीं एबीसी का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो अगर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो एडीसी का निकाल लो अगर कॉस्ट में कोई चेंज है तो टोटल प्रॉफिट निकाल लो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं है तो केवल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल निकाल लो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा है वो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है तो ये तो ईजी होते हैं इसमें हमें बहुत आसानी से हो जाते हैं प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट हमें नॉर्मल क्वेश्चन में तो हमें जो टोटल कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट ऐड करना होता है लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं Variable cost है अस्सी चालीस पर यूनिट एक सौ बीस हम मालिए बीस रुपए का प्रॉफिट लेते हैं और एक सौ चालीस में बेचते हैं मार्केट में माल ही नहीं बिक रहा बहुत कम सेल हो रही है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी खाली है खूब माल रखा है बिक ही नहीं रहा है तो एक कस्टमर आकर के हमसे कहता है कि भैया एक सौ के हिसाब से वो हमसे खरीद लेगा एक सौ के हिसाब से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला या हमारी लोकल मार्केट से बाहर है ताकि लोकल मार्केट का रेट खराब ना हो तो ये नॉर्मल बच्चा कहता है हमारी कॉस्ट 120 है वो 110 सौ दस कह भगा देंगे उसे नहीं हमारी वेरिएबल कॉस्ट 80 है तो एक यूनिट बनाने में अस्सी रुपए खर्च होंगे एक आएंगे तो तीस पर यूनिट फिर भी आ ही रहा है हमारे पास उतना नहीं आ रहा जितना सोचा था लेकिन आ रहा है तो हम उसे बेच देंगे और कुछ अपने लॉस को कम कर लेंगे क्योंकि तीस रुपए पर यूनिट आएगा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पहले भी लॉस हो रहा होगा अब भी लॉस हो रहा होगा लेकिन पहले प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा तो ये वाले ही होते हैं क्वेश्चन हमारे तो अलग अलग सिचुएशन होती है यहाँ पर ये 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 वाला टॉपिक था एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर कि हमसे कोई स्पेशल ऑर्डर है कम रेट में है तो भी हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं की फैक्टर वाले क्वेश्चन की फैक्टर वाले क्वेश्चन में हमने काफी टाइम लगाया था जब हम पढ़ रहे थे की फैक्टर होता है जो लिमिटेड फैक्टर होता है हमारे पास लिमिटेड चीज है हमारे पास बल्क में नहीं है जैसे फर्स्ट बाय डिफॉल्ट की फैक्टर सेल्स होता है हम जितनी चाहे उतनी सेल नहीं कर सकते सेल एक लिमिटेड होती है हमारे प्रोडक्ट की तो फर्स्ट की फैक्टर बाय डिफॉल्ट तो सेल होता ही होता है उसके अलावा भी कोई और की फैक्टर है जैसे हमसे बोला जाए कि रो मटेरियल हमारे पास बस हजार किलो ही है और जो सेल हमारी दो प्रोडक्ट की होती है उन दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 1800 किलो का माल चाहिए हमारे दो प्रोडक्ट जितने बिक सकते हैं उतना माल बनाने के लिए 1800 किलो रो मटेरियल चाहिए लेकिन रो मेटीरियल हजार है तो यहां पर हम क्वेश्चन होता है है की की फैक्टर का रोल कौन कर रहा है? रो मेटीरियल तो के हिसाब से वो वाला माल पहले बनाकर बेचेंगे जिसपे कम रो मेटेरियल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा तो इन्हें दो स्टेप में फॉलो करते हैं स्टेप नंबर वन फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं ये की फैक्टर सेल सेल पे बेस्ड होता है sale है ना हमारी की फैक्टर तो तो यूनिट्स में हमारी सेल लिमिटेड होती है तो कोई और की फैक्टर नहीं है और कोई लिमिटेड चीज नहीं है तो हम पहले वो माल बेचेंगे जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है लेकिन हमारा जो की फैक्टर सेकेंड है इस क्वेश्चन में रॉ मेटीरियल तो हमें स्टेप टू और करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा हमें पता लगाना पड़ेगा फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रो मेटीरियल रो मेटेरियल का एक किलो में कितना हमें मार्जिन आ रहा है दोनों प्रोडक्ट फिर हम इसे रैंक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें पर केजी ऑफ रो मेटेरियल ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा पहले उसे बनाएंगे दूसरे नंबर पर तीन है तो पहले दूसरे तीसरे पे ऐसे रैंकिंग करेंगे मान लिया हमारे पास रॉ मटेरियल वन थाउजेंड के जी नहीं है लिमिटेड लेकिन हमारे पास मशीन आर्ट है वन थाउजेंड आर्स बस लेकिन हमें चाहिए अठारह सौ घंटे है केवल हजार घंटे तो हम हर घंटे का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे ठीक है तो हम हम पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है यहां पर हमें बता रखा है सेलिंग प्राइस क्या है वेरिएबल कॉस्ट क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है तो मैंने कहा स्टेप नंबर वन सबसे पहले हम पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हमने पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आया नब्बे रुपए प्रोडक्ट एक का और दो सौ प्रोडक्ट बी का अब और कोई बात नहीं है तो हम पहले बी को बेचेंगे क्योंकि एक यूनिट पे दो सौ रुपए मिलते हैं लेकिन उसकी सेल मैक्सिमम लिमिटेड होगी कि हम उसकी मैक्सिमम दो सौ पांच सौ यूनिट बेच सकते हैं उसके बाद में फिर हम ए को बेचना शुरू करें लेकिन यहां पर क्या लिखा है मान लो रो मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो मैंने क्या कहा था दो स्टेप लगाएंगे स्टेप नंबर वन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सेल्स वो निकाल लिया सेल पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेप नंबर टू की फैक्टर अब रॉ मेटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो पर के जी हमारा क्या आ रहा है तो हमें पता है यहां पर लीटर है तो पर लीटर कितना आ रहा है हमें यहां पता है कि हमारा बीस रुपए पर लीटर का मेटेरियल का रेट है और यहाँ चालीस रुपए का खर्चा है इसका होता है यहाँ दो लीटर हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है एक यूनिट तो जब नब्बे रुपए मिल रहे हैं दो लीटर लगाकर तो एक लीटर पे पैंतालीस रुपए मिल रहे हैं तो हम नब्बे को दो लीटर से डिवाइड करके निकालेंगे तो पैंतालीस रुपए एक लीटर पर प्रोडक्ट ए दे रहा है रो मटेरियल के एक लीटर पर पैंतालीस रुपए यहां पर हमारा जो खर्चा आ रहा है वो आठ लीटर लग रहा है तो यहाँ पर आठ लीटर से डिवाइड करके हमें पता चला प्रोडक्ट बी पच्चीस रुपए पर लीटर दे रहा है ब्लंडर हो जाएगा अगर हम पहले बी को बनाकर बेचने लगेंगे माल खत्म हो जाएगा प्रॉफिट आधा ही होगा क्योंकि तो यहाँ पर माल ज्यादा लग रहा है हम पहले रैंकिंग ए को बनाएंगे अब ऐसे ही हमसे बोला है प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब लेबर लिमिटेड है मशीन आर लेबर आर्ट लिमिटेड है तो यहां पर हमने देखा कि दस रुपए घंटे का रेट है तो इसको यहां पांच घंटा लगता है यहां दस घंटा लगता है तो अगेन स्टेप वन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे फिर स्टेप टू में की फैक्टर के हिसाब से निकालेंगे पांच घंटा दस घंटा तो अठारह रुपए दे रहा है बीस रुपए तो प्रोडक्ट बी पहले बनाएंगे क्योंकि एक घंटे पे बीस रुपए दे रहा है ऐसे ही यहाँ लिखा सेल क्वांटिटी लिमिटेड है तो फर्स्ट स्टेप से ये आंसर आ गया सेल क्वांटिटी लिमिटेड है पहले बी को बेचेंगे वहां दो सौ रुपए पर यूनिट में फोर्थ सेल्स वैल्यू लिमिटेड है सेल वैल्यू मतलब हमें एक एक रुपए की सेल पर देखना है जो ज्यादा पहले हमें हमसे कहा गया आप दो लाख से ज्यादा की सेल ही नहीं कर सकते तो हम देखेंगे पर रुपीज ऑफ सेल हमें पर हंड्रेड ऑफ सेल कौन ज्यादा दे रहा तो पीवी वी रेशो पी रेशो क्या बताता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन हंड्रेड तो पीवी वी रेशो निकाल लेंगे दोनों का तो ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन टू पीवी पी रेशो निकालेंगे जिसका पीवी वी रेशो ज्यादा बढ़िया होगा वो हमारी रैंकिंग में आ जाएगा फिर ई में बोला हजार यूनिट रॉ मटेरियल की ही अवेलेबल है और हम 300 यूनिट से ज्यादा एक प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते तो क्या करें तो रॉ मटेरियल के केस में, में फर्स्ट में निकाला था पहले फर्स्ट रैंकिंग थी प्रोडक्ट ए की प्रोडक्ट ए बनाएंगे लेकिन कितना बना सकते हैं ज्यादा जाद तीन सौ क्योंकि उससे ज्यादा बिकेगा नहीं और हमें पता है एक यूनिट ए में दो लीटर लगता है रॉ मेटीरियल तो तीन यूनिट में छह लीटर लग जाएगा हजार लीटर हमारे पास है 600 लीटर ए में लग गया बचा हुआ 400 लीटर बी में लगाएंगे और उससे हम 50 यूनिट बना लेंगे तो हमारी 300 यूनिट ए की बनेगी 50 यूनिट बी की लगेंगी और उससे प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लेंगे तो की फैक्टर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में काफी डिसीजन मेकिंग में की फैक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर क्या है कि हम दो तीन आ, मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं है लेकिन बहुत आसान है मान लिया दो तीन जगह माल बेचते हैं हमसे पूछा जाए कहाचे एक दो तीन में से दो ही जगह बेच सकते हैं तो जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां बेच इनमें ज्यादातर वो ये सिचुएशन जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा हम बिजनेस को या परमानेंट बंद कर दें तो क्वेश्चन में बोला जाएगा टेम्परेरी वाले क्वेश्चन में कि एक साल के लिए छह महीने के लिए दो साल के लिए दिक्कत चल रही है उसके बाद हमारी नॉर्मल सेल हो जाएगी तो उस एक साल में बिजनेस को कंटिन्यू करें या बंद कर तो कंटिन्यू करने पे लॉस हो रहा है बंद करने पे परमानेंट फिक्स कॉस्ट होगी होगी तो लॉस को परमानेंट फिक्स कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे एक टेक्निक ही है दूसरा यह है कि हम एक शटडाउन पॉइंट निकालें शटडाउन पॉइंट का मतलब है कि इससे कम सेल होगी तो बंद ही कर दो तो ये पॉइंट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट आफ्टर शटडाउन पॉइंट मतलब जो डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी परमानेंट फिक्स कॉस्ट है उससे कंपेयर करते हैं तो एक शटडाउन पॉइंट आ जाता है जैसे यहां पर आया ये क्वेश्चन नंबर 57 है इसमें हमसे बोला जा रहा है कि प्रेजेंटली हमारी फिक्स कॉस्ट चार अस्सी है फिक्स कॉस्ट शटडाउन कर देंगे तो तीन साठ होगी इसका मतलब तीन लाख साठ हजार का लॉस तो हो होना ही होना तय है अगर हम बंद कर देंगे तो जारी रखने पे अगर हमें इससे कम लॉस हो रहा है तो भैया ठीक है कंटिन्यू करो नहीं तो बंद कर दो तो शटडाउन पॉइंट क्या हुआ? क्या हुआ शटडाउन पॉइंट क्या आ जाता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट जैसे हमारी कॉस्ट आएगी चार अस्सी और शटडाउन के बाद भी तीन है तो खेल के बोले एक लाख बीस हजार का है? एक लाख बीस हजार बचा सकते हो या नहीं क्योंकि तो वरना तो आपका बिजनेस बंद होगा तीन का लॉस मिनिमम तो हो गई होगा तो अगर एक लाख बीस हजार रुपए के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी 6 लाख तो अगर एक भाई

तो भैया अगर हमारा लॉस ही लॉस हमेशा चलना है परमानेंट बंद कर देंगे अब इसमें क्या होता है परमानेंट बंद करने में ये होता है हमारे पास एक जगह दो दुकानें हैं दो फैक्ट्री हैं कुछ रहे बंद करें या ना करें तो एक फैक्ट्री या दुकान बंद करने पे उसकी सेल कुछ शिफ्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बिफोर क्लोजर दो दो दुकानें हैं तो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है दुकान बंद करने पे एक दुकान से क्या प्रॉफिट हो रहा है एक दुकान से प्रॉफिट ज्यादा है तो बंद कर दो नहीं है तो मत करो सिंपल हम खुद काम करें या किराए का देते अगर हम खुद काम करते हैं हम पचास हजार कमा रहे सारा सब कुछ करके पचास हजार में प्रॉफिट कमाया किराया साठ हजार मिल रहा है भैया तो किराए पे दे दो और अगर खुद काम करके पचास हजार कमा रहे हैं किराया चालीस मिल रहा है तो पचास हजार ही कमाएंगे खुद काम करेंगे तो ये देखना होता है अपने प्लांट को रिप्लेस करें या ना करें एक इसका क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कैसे होते हैं क्वेश्चन मेरे पास भी एक लिमिटेशन है मैंने तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए आपको वरना दो चार की फैक्टर एक दो कराकर छोड़वा देते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे होते हैं हमारा एक प्लांट है क्वेश्चन में लिखा है वो पांच हजार यूनिट बनाता है और हमारी सेल होती है उसका खर्चे वर्चे सब बता रखे फिर हमें बता रखा होगा कि हम सोच रहे हैं एक नया प्लांट खरीद लें तो नया प्लांट भी हो सकता है पांच हजार ही बनाए लेकिन वो नया प्लांट है तो खर्चा कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगी मतलब इस तरीके का है तो हम दोनों को कंपेयर कर ले जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो कर ले कई बार क्या होता है कहते हैं नया प्लांट पांच की बजाय सात हजार बना सकता है या दस हजार बना सकता है लेकिन सेल सात हजार तो हम देखें जो बढ़कर सेल हो रही है नए क्योंकि नया प्लांट है उसमें डेप्रीशिएशन ज्यादा होगा महंगा होगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उसमें कम होगी तो कई बार क्या होगा बोला जा रहा है हम पांच हजार यूनिट बना रहे हैं डिमांड तो सात हजार की है लेकिन बना रहे हैं पांच हजार क्योंकि तो इससे ज्यादा बनी नहीं सकता हम सोचें इस प्लान को बेच के नया प्लान खरीद लें जो दस हजार बना सकता है लेकिन डिमांड क्योंकि सात हजार है तो हम सात हजार ही बनाएंगे तो सात हजार में कितना प्रॉफिट होगा नया प्लान खरीद के पुराने पर कितना हो रहा है कंपेयर करो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसे चूज कर लो ऐसा होता है और मतलब असल में क्या फाइनल में हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं पांच हजार अभी सेल है प्लांट दस हजार बनाएगा मैक्सिमम सेल सात हजार है जो तीन हजार बचे वो किसी और को सप्लाई या हम अपने लिए यूज कर सकते हैं तो मतलब जैसा क्वेश्चन कहे वैसा कर लो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे सिंपल नेक्स्ट है सप्लायर अब भैया जहां से सस्ता मिलेगा उससे ले लो दो तीन सप्लायर के टर्म्स एंड कंडीशन बता रखे हैं सप्लायर एक्स वाई जेड ए बी सी टोटल देखो क्या कंडीशन के हिसाब से आ रही है जिसकी कॉस्ट कम है उसे कर लो। तो यहां पर है ना मार्जिन cost, के ज्यादातर करने के लिए आपको क्या काम करना आपको एज्यूम करना है कि हम इस बिजनेस के ओनर है और जो ओनर है ओनर क्या चाहेगा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो कॉस्ट कम से कम हो तो प्रॉफिट है अगर निकाल सकते हो तो प्रॉफिट ज्यादा है वो ऑप्शन चूज करो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते कॉस्ट ही निकाल सकते हो तो जिसमें कॉस्ट कम है उसे चूज करो ये काफी बड़ा चैप्टर है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मान के चलो दस नंबर पंद्रह नंबर का इसमें से आ सकता है तो इसे करिए जरूर बजटरी कंट्रोल मार्जिनल स्टैंडर्ड मिलाकर पच्चीस तीस नंबर का आ जाता है कई बार तो पास कराने वाला चालीस नंबर भी आ जाता है रिकॉन्सिलेशन को और ऐड कर दें इसमें तो।, तो इन तीन चार चैप्टर के बलबूते पे ही आप एक रिस्क फ्री पैटर्न पर चलना